आज का जो टॉपिक है ये है मेक पॉजिटिव वर्ब। हम देखेंगे कि ये जो मेक पॉजिटिव वर्ब है ना, इसका टेंसेज में किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। जो 12 टेंसेज है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के, चार चार जो पार्ट्स हैं, उन सभी में हम मेक पॉजिटिव वर्ब को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये आप जानेंगे। पॉजिटिव वर्ब का आपको मतलब तो पता ही है, किसी से काम करवाना। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने काफ़ी कुछ इसमें ऑलरेडी बताया है आपको। ये देखिए, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, ये जो सेंटेंस है ना, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, लास्ट में ती हूँ आ गया है और काम करने वाली मैं हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट मैं हूँ, तो ये टेंस में आप बना देंगे, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बना देंगे सिंपली, जिस भी टेंस में होगा इस तरीके से सब्जेक्ट होगा और वो क्या काम करता है वो सामने होगा। दूसरा, अगर मैं नहीं काम कर रही ना, किसी से करवाती हूँ, जैसे मैं राम से इंग्लिश बुलवाती हूँ, यहाँ तो मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैं खुद हूँ काम करने वाली, लेकिन मैंने काम नहीं किया, मैंने इंग्लिश बुलवाई भी, और किससे बुलवाई, राम से बुलवाई, मैंने काम जो है किसी और से करवाया, किसी अन्य से करवाया। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप सीख रहे हैं मेक पॉजिटिव वर्ब को हम टेंसेज में कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखें, मैं करवाती हूँ किससे काम, राम से, तो ये जो है आप एक्टिव पॉजिटिव में बनाएंगे। एक्टिव है, पॉजिटिव भी है, लेकिन एक्टिव सेंटेंसेस में है, ठीक है। अब ये बनाएंगे आप, जैसे आई मेक राम स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर आई के बाद जो भी टेंस होगा ना, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, एक ही बात है, तो यहाँ पर मेक हो जाएगा या फिर मेक्स हो जाएगा, ठीक है। वर्ब में, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस आई एस लग जाता है, इसलिए मेक लगा है। पास्ट का होगा तो मेड हो जाएगा, तो मेड में सारे बदलाव होंगे। यहाँ पर तो देखें, ये जो है ना स्पीक, इसमें बदलाव हो रहे हैं, यहाँ पर ये जो मेक है ना, मेक पॉजिटिव वर्ब, इसी में ही जो है टेंसेस के अनुसार बदलाव होंगे। कॉन्टिन्यूस होगा तो इज एम आर, फिर मेकिंग बन जाएगा, वर्ब में आईएनजी है ना, तो मेकिंग, मेक में आप आईएनजी लगाएं, क्लियर है। और ये जो स्पीक, ठीक है, मैं राम से इंग्लिश बुलवाती हूँ, जो बुलवाने का काम है ना, ये जो है बेस फॉर्म में, आप समझ सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी बदलाव होगा वो मेक में ही होगा, बाकी जो ये स्पीक वाली वर्ब आ रही है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए, ये तो एक्टिव में बनाया, अब पैसिव में कैसे बनाएंगे। पैसिव क्या होता है, जहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, काम किसने किया ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बता सकते हैं बाय लगाकर, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, ऐसे वाक्य हम पैसिव में बनाएंगे। तो इसका पैसिव, इस पॉजिटिव का पैसिव कैसे बनेगा, जैसे मैं अंग्रेज़ी बुलवाती हूँ, यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि मैं राम से इंग्लिश है जो अंग्रेज़ी है वो बुलवाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने बोला कि मैं जो इंग्लिश है, यहाँ पर अंग्रेज़ी लिख दिया है, तो आप सही कर लें, सेम ही है वैसे लेकिन बोलने में, तो मैं इंग्लिश बुलवाती हूँ, किससे बुलवाती हूँ, राम से, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है, तो ये पैसिव पॉजिटिव बन गया अब मेक का। तो इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ है, इसमें पॉजिटिव बनाते समय क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है मेक का जो पॉजिटिव है किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर मेड लगेगा, क्योंकि देखिए हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए पॉजिटिव में, जो मेड है ना उसको हम थर्ड ही रखेंगे, और मेड ही, यहाँ पर मेड का ही इस्तेमाल होगा एज अ थर्ड फॉर्म के रूप में। जैसे स्पीक है, ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ये जो स्पीक वर्ब है, यहाँ पर मेड के बाद में आपको टू अप्लाई करना है जब आप मेक का पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टेंसेज में सीखेंगे, ठीक है, टेंसेज में सीखेंगे, पॉजिटिव पे नहीं जा रहे हैं, हम सीखेंगे टेंसेज का होगा एक सेंटेंस, एक एक्टिव पॉजिटिव होगा वो भी मेक का, ठीक है। तो मैं अंग्रेज़ी बुलवाती हूँ, यहाँ पर मैं अंग्रेज़ी बुलवाती हूँ, तो आई एम, मैं बुलवाती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इज़ एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो मेड आएगा थर्ड फॉर्म के रूप में, आई एम मेड टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रो है। अब देखिए यहाँ से जो है शुरुआत होगी, जैसे ऐसे देखेंगे हम पहले टेंसेज में, यहाँ पर ठीक है टेंसेज का कॉलम होगा, अब मेक पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मेक का मैं पैसिव नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर हम एक्टिव सेंटेंसेज ही बनाएंगे, एक्टिव ही टेंस का और एक्टिव ही मेक पॉजिटिव का, ठीक है। यहाँ पर देखें ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जब भी यहाँ पर हम मेक को अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इनका यूज़ होगा, मी, हर, यू, हिम, हर, इट, ठीक है, ये ध्यान रखना, और दैम का। चलिए यहाँ पर देखें
सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं. स्ट्रक्चर देखें, सेम ऐसा ही होता है, ये टेंसेज में होता है. यहाँ पर बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आईएस लगता है ना, तो यहाँ पर जो बदलाव होगा ना वो मेक में ही होगा. मेक होगा और मेक्स हो जाएगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा. फिर ऑब्जेक्टिव केस, अभी मैंने बताया ना, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये सारे यहाँ पर यूज़ होंगे ऑब्जेक्टिव केस में. फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी, जैसे कुक है ना यहाँ पर, वो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जो भी काम किया जाता है ना लास्ट में, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अब देखें, यहाँ पर है कि मैं खाना बनाती हूँ. खाना बनाने वाले कौन हूँ, मैं हूँ. तो आपने सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बना लिया. आपने पहचाना कि ती हूँ लास्ट में है, तो आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ. लेकिन मैं नहीं बनाती, मैं राम से खाना बनवाती हूँ. मैं राम से खाना बनवाती हूँ, किसी और अन्य से बनवाती हूँ. तो यहाँ पर बनवाती हूँ, करवाती हूँ किसी अन्य से काम, आई मेक आ जाएगा. जैसे यहाँ पर कुक है ना, ये जो कुक है ये तो फर्स्ट में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. इस मेक को हम एज अ कुक के रूप में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर तो कुक आ रहा है बनाती हूँ के सेंस में, अब बनवाने का काम आ रहा है ना, तो ये मेक आपको अप्लाई करना, मेक कॉजेटिव वर्ब. आई मेक राम, ऑब्जेक्टिव केस के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो काम किया जा रहा है ना खाना बनाने का, कुक फूड. आई मेक राम कुक फूड. तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए अब एक और सेंटेंस देख लें ऐसी आई एस वाला, जैसे कि वह खाना बनाती है तो शी कुक्स फूड. कुक का कुक्स हो गया, सब्जेक्ट शी है, इसलिए शी कुक्स फूड. अब मैंने बोला यहाँ तो वह खाना बनाती है, वह बना रही है ना खाना, वह बनाती है, सब्जेक्ट सामने है काम करने वाला. अब वह नहीं बनाती, वह उससे खाना बनवाती, किसी और अन्य से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है हिम. तो शी मेक्स, अब मेक्स में परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया. जैसे इसमें कुक्स में हुआ है ना एस लग गया, तो मेक्स में आप क्या करेंगे, एस लगा देंगे. शी मेक्स हिम, हिम ऑब्जेक्टिव केस, फिर कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फूड, शी मेक्स हिम कुक फूड. तो इस तरीके से आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस बना सकते हैं. यहाँ पर आप जो टेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाएंगे, यहाँ मेक कॉजिटिव वर्ब वाले आप सेंटेंसेस बना लेंगे, एक्टिव में है दोनों ही, ठीक है. चलिए अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है. अब यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, इज एम आर के बाद वर्ब क्या होगी, मेक, तो मेकिंग में आईएनजी लग जाएगा. क्लियर है. मेरी मम्मी खाना बना रही है, मेरी मम्मी बना रही है खाना, काम करने वाली जो सामने ही है, लेकिन यहाँ पर मेरी मम्मी खुद बना रही है, ठीक है. अब यहाँ पर मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है, मेरी मम्मी नहीं बना रही है, मुझसे बनवा रही है, ठीक है. तो इस तरीके से आप वाक्य बना देंगे, माय मदर इज़ कुकिंग फूड. यहाँ पर जो माय मदर है वही पका रही है, बना रही है खाना, लेकिन यहाँ पर माय मदर इज़ मेकिंग, माय मदर इज़ मेकिंग किससे, मी, मुझसे, क्या, कुक फूड. माय मदर इज़ मेकिंग मी कुक फूड. तो ये कॉन्टिन्यूस बन गया प्रेजेंट का. अब प्रेजेंट का परफेक्ट में देखें, मेक का कैसे इस्तेमाल करेंगे. परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का है, कोई काम कर लिया है, कर चुका है, ली है, दी है, इस तरीके से पहचाना जाता है ना. तो मैंने खाना बना लिया है, मैंने काम कर लिया है, क्या काम कर लिया है, खाना बनाने का. हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आई हैव कुक्ड फूड. अब यहाँ पर हैज़ हैव के बाद में हम मेड में परिवर्तन करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म के रूप में मेड का यूज़ करेंगे. ये जो कुक्ड है ना, ये कुक वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी. देखिए, मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड फूड. मेरी मम्मी, मैंने मम्मी से खाना बनवा लिया, मैंने नहीं बनाया, मम्मी से बनवाया, तो आई हैव मेड मदर. यहाँ पर मेड मेरी मम्मी है ना, मैंने मम्मी से, तो मम्मी के लिए मदर लिख दें या मेरी मम्मी, तो माय मदर कर दें. आई हैव मेड माय मदर कुक फूड, आई हैव मेड माय मदर कुक फूड. इस तरीके से आप कर लें, इसको थोड़ा ठीक लगेगा सुनने में और देखने में, समझने में. चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. अब चलिए लास्ट वाला देख लें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. इसमें क्या होता है, हैज़ हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लग जाता है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है. और सिंस फॉर अप्लाई करते हैं समय के लिए, कब से, तो मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ सुबह से मैं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. हैव बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा है ना, तो यहाँ पर हम मेकिंग में लगा देंगे, यानी कि मैं सुबह से उसे पढ़ा रही हूँ, उससे पढ़वा रही हूँ. इस तरीके से आप बना ले हिंदी में, मैं सुबह से उससे पढ़वा रही हूँ, ठीक है. मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं, वो जो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है ना, उससे पढ़वा रही हूँ, उससे काम करवा रही हूँ, ऐसे. तो आई हैव बीन मेकिंग हिम
टीच, आई हैव बीन मेकिंग हिम टीच, कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से. तो इस तरीके से आप बना लेंगे. चलिए प्रेजेंट के कंप्लीट हो गए, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए. पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो यहाँ पर तो हो जाएगी सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर मेक की सेकेंड फॉर्म मेड हो जाती है. मैंने खाना बनाया, ठीक है, पास्ट हो गया. आ ई ए की मात्रा पे सेंटेंस की एंडिंग है हिंदी में, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई कुक्ड फूड. आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया, पास्ट इंडेफिनिट. मैंने उससे खाना बनवाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने उससे काम करवाया, तो आई मेड हिम कुक फूड, पास्ट इंडेफिनिट. क्लियर है? देखिए यहाँ पर मेड आ गया, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर वी वन, फिर यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी. वॉज वर्ग के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पर भी वॉज वर्ग के बाद में वर्ब में आईएनजी लगेगा, लेकिन मेकिंग बनेगा, यहाँ पर मेक में आईएनजी लग जाएगा. मैं कमरा साफ कर रही थी, मैं कर रही थी ना, काम करने वाली मैं हूँ, तो आई वॉज क्लीनिंग द रूम, आई वॉज क्लीनिंग द रूम. मैं उससे कमरा साफ करवा रही थी, तो आई वॉज मेकिंग हिम क्लीन द रूम, आई वॉज मेकिंग हिम क्लीन द रूम, पास्ट कंटिन्यूअस में बन गया. चलिए पास्ट परफेक्ट में देख लेते हैं. पास्ट परफेक्ट में क्या क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, टेंसेस में. और यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेड आ जाएगा, ठीक है. तो मैंने कमरा साफ किया था, तो किया था, लिया था, इस तरीके से पहचाना जाता है ना टेंस. तो आई हैड क्लीनड द रूम, मैंने कमरा साफ किया था, आई हैड क्लीन द रूम. और मैंने उससे कमरा साफ करवाया था, मैंने उससे कमरा साफ करवाया था, आई हैड मेड हिम क्लीन द रूम, आई हैड मेड हिम क्लीन द रूम. तो यहाँ पर मेड में परिवर्तन हो रहे हैं, थर्ड फॉर्म भी लग रही है तो मेड में लग रही है परफेक्ट वाले टेंस में. तो अभी तक आप पैसिव नहीं, एक्टिव चल रहा है, ठीक है. पैसिव मैंने बताया था, कंफ्यूज ना हो. यहाँ पर प्रेजेंट का एक्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी एक्टिव सेंटेंस है, मेक का कॉजिटिव, ठीक है. अब देखें आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, यहाँ पर भी हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, यहाँ पर मेकिंग में लग जाएगा आईएनजी, ठीक है, कॉजिटिव मेक में. मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, मैं खेल रहा था, ठीक है, मैं खेल रहा था. आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से, सुबह से. अब यहाँ पर देखिए, मैं सुबह से उससे क्रिकेट खिलवा रही थी, मैं नहीं खेल रही थी, मैं उससे क्रिकेट खिलवा रही थी, ठीक है, हिम से काम करवा रही थी क्रिकेट खिलवाने का, ठीक है. तो मैं सुबह से उससे मैं सुबह से उससे क्रिकेट खिलवा रही थी. तो यहाँ पर हैड बीन तो आएगा, लेकिन फिर मेकिंग, यहाँ पर जो है मेकिंग लग जाएगा, ठीक है. यहाँ पर देखिए हैड बीन के बाद में इसको आप मेकिंग कर ले, वर्ब में आईएनजी है ना, आई हैड बीन मेकिंग हिम प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. ये जो प्लेइंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. और ये आईएनजी लगेगा ना, तो इसमें ये मेकिंग में लग जाएगा, मेकिंग में यहाँ पर आप आईएनजी लगा देना. आई हैड बीन मेकिंग हिम प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं उससे क्रिकेट खिलवा रही थी, पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो था, थे, थी तो आएगा, ठीक है. थोड़ा देखें आप, फिर देखिए फ्यूचर में आ जाए. फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर, मैं कमरा साफ करूंगा या मैं ही करूंगी जो भी काम है, तो आई विल क्लीन द रूम. वह मुझसे कमरा साफ करवाएगा, मतलब वह किसी और अन्य से काम करवाएगा, किससे, मुझसे, तो ही विल मेक मी क्लीन द रूम, विल मेक आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पर विल क्लीन है तो ये विल मेक आ जाएगा, ही विल मेक मी क्लीन द रूम. कॉन्टिन्यूस में आ जाए, विल बी के बाद में क्या होता है, वर्ब विल बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाता है, तो मैं एक पत्र लिख रही होंगी, आई विल बी राइटिंग अ लेटर. तो इस तरीके से यहाँ पर दिया नहीं तो आप कर ले, मैं एक पत्र लिख रही होंगी, आई विल बी राइटिंग अ लेटर. विल बी के बाद राइटिंग वर्ब में आईएनजी लगा लेंगे. अब इसका देखें पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे, एक्टिव सेंटेंस ही है मेक का, तो मैं उससे एक पत्र लिखवा रही होंगी. मैं नहीं लिख रही, मैं किसी जिससे लिखवा रही हूँ वो अन्य है, किसी अन्य से लिखवा रही हूँ, दूसरे से काम करवा रही हूँ. तो आई विल बी मेकिंग हिम राइट अ लेटर, तो यहाँ पर राइट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पर राइट में आईएनजी लग जाएगा और यहाँ पर आईएनजी लगेगा मेकिंग में. आई विल बी मेकिंग हिम राइट अ लेटर. और फ्यूचर परफेक्ट में आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर मेड हो जाएगी पॉजिटिव में. मैं खाना बना चुकी होंगी, आई विल हैव कुक्ड फूड, आई विल हैव कुक्ड फूड. मैं
यहाँ पर चुका होंगे, चुकी होंगी, इस तरीके से पहचान है। मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवा चुकी होगी, मेरी मम्मी मुझसे काम करवा चुकी होगी, तो माई मदर विल हैव मेड मी कुक फूड, तो इस तरीके से बना लेंगे। लास्ट देखें, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, विल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी सिंस मॉर्निंग लग जाएगा लास्ट में समय के लिए, और यहाँ पर भी विल हैव बीन मेकिंग में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्लियर है, ये टेंस में आपने बना दिया। और मैं सुबह से उससे अंग्रेजी पढ़वा रही होंगी, मैं नहीं पढ़ा रही होंगी, उससे ये काम करवा रही होंगी, तो आई विल हैव बीन मेकिंग हिम टीच इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन मेकिंग हिम टीच इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपने देखा टेंसेज में, टेंसेज में हम मेक पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अभी आपने ये वाला सीखा है, देखिए यहाँ पर टेंसेज का एक्टिव सेंटेंस और मेक पॉजिटिव का भी एक्टिव सेंटेंस सीखा है, पैसिव भी मैंने डिस्कस किया था जो प्रीवियस क्लास ही प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने देखा होगा, मेक के बाद में यानी मेड थर्ड रूप में आएगा, फिर टू लग जाएगा आप जब इसका पैसिव बनाएंगे। तो उम्मीद है कि टेंसेज में मेक का इस्तेमाल करना आपको 12 टेंसेज में आ गया होगा।